वेलकम बैक डियर स्टूडेंट इन आवर चैनल ज्ञान गंगा फैमिली। बहुत स्टूडेंट हमें कमेंट कर रहे थे सर कि आप फिजिक्स का अगला वीडियो लेकर आएं, अगला वीडियो लेकर आएं। तो आज उन स्टूडेंट्स के लिए मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लाइफ का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आइए हम बारी बारी से इसका स्टडी करते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है, ये चैप्टर का नाम ही हमारा क्या ये लाइट है। तो हम सबसे पहले जाने कि लाइट है क्या। लाइट हमारा एक ऊर्जा का स्वरूप है जो किसी वस्तु पे पड़ने के बाद उसे दृश्यमान बना देता है। यानी कह सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच मेक्स एनी ऑब्जेक्ट विजिबल। विजिबल का अर्थ होता है देखने योग्य आफ्टर इंसिडेंट ऑन इट। यानी कि जो लाइट जिस वस्तु पे पड़ता है उसे दृश्यमान बना देता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो लाइट हमें सेंसेशन ऑफ साइट देता, देखने की अनुभूति उत्पन्न करता है। इसके बाद हम आपको पढ़ने के लिए मिलता है कि लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में, कि लाइट क्या है, लाइट के गुण लिखें। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं कि लाइट के प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो देयर इज ए नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर मूविंग ऑफ लाइट। कहने का मतलब ये हो गया कि लाइट को चलने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अर्थात लाइट जो है प्रकाश, वो माध्यम में और निर्वात वैक्यूम दोनों में चल सकता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा प्रॉपर्टी यही है, लाइट को चलने के लिए किसी प्रकार का मीडियम यानी माध्यम की रिक्वायरमेंट हमारा नहीं होता। अर्थात वो माध्यम में या निर्वात वैक्यूम में भी चल सकता है। दूसरा कहता है इट इज इनविजिबल। लाइट को हम लोग कभी भी देख नहीं सकते, लेकिन ये लाइट जिस वस्तु पे पड़ता है उसे दृश्यमान बना देता है, यानी कि वो देखने को बना देता है। तीसरा इसकी प्रॉपर्टी है इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यह एक प्रकार का चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्ध्य 400 से लेकर 400 से 800 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर का मतलब होता है 10^-9, है ना। तो ये हमारा एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। चौथा पॉइंट बात करते हैं इट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन और पाथ। यह हमेशा सीधी पथ पर या सीधी रेखा में गमन करता है। पांचवा पॉइंट की बात करते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो पहले ऑलरेडी हम डिस्कशन डिफिनेशन में कर चुके हैं। लाइट क्या है, लाइट एक ऊर्जा का स्वरूप है। और आप ये जानते होंगे कि एनर्जी को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब लाइट एक प्रकार का कंजर्वेटिव है जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के नियम को पालन करता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में लाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे लाइट एनर्जी को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या लाइट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, काइनेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी में। इसका मतलब यही हुआ कि लाइट जो हमेशा टोटल कंजर्व रहता है, आप इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहता व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डेविएटेड फ्रॉम एक्चुअल पाथ। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है या जाती है, तो वो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। और यही हमारा अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअल में जब पाथ से डेविएट कर जाता है रे ऑफ लाइट, तो इसे बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि एक प्रॉपर्टी हमारा किसका लाइट का ही है। चलिए एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका वेलोसिटी, एनर्जी, वेवलेंथ, टोटल चीज वो चेंज होता है, ऑल पैरामीटर चेंजेस, बट ओनली फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज कंजर्व। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं व्हेन एनी रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन ऑल पैरामीटर्स लाइक एनर्जी, वेलोसिटी, स्पीड इट्स ऑल चेंजेस, बट फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज कंजर्व। अब बात करते हैं ल्यूमिनस बॉडी, यानी कि प्रदीप्त प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु। ये वो वस्तु होता है जो क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। यानी बोल सकते हैं वैसी वस्तु जो स्वतः अपने आप या किसी अन्य एक्सटर्नल सोर्स के कारण लाइट प्रोड्यूस करता है, ल्यूमिनस बॉडी अर्थात प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहलाता है।
जैसे मैं आप दुनिया का कोई वस्तु देख ले जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे बर्निंग ट्यूब हो गया, सन हो गया, बर्निंग बल्ब हो गया, बर्निंग कैंडल हो गया, ये सारा मतलब क्या है, ल्यूमिनस बढ़े, क्योंकि जलने के दौरान वो प्रकाश उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं ये ल्यूमिनस बॉडी कितने प्रकार के होते हैं, तो ल्यूमिनस बॉडी हमारा दो प्रकार का है, एक होता है नेचुरल, दूसरा क्या होता है मैन मेड यानी कि आर्टिफिशियल कृत्रिम। नेचुरल क्या होता है, जो नेचर में क्या करता है ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, जो नेचर का दिया हुआ, जैसे मोस्ट बेबी हमारा नेचुरल ल्यूमिनस बॉडी में कौन आता है, ये सन आता है, या कभी कभी आप देखोगे जुगनू के बारे में, जुगनू भी रात में क्या करता है वो लाइट प्रोड्यूस करता है, हालांकि वो जुगनू होता है वो कंटिन्यूस लाइट प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसकी तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ लाइट सन के लाइट के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है, इसीलिए वो दिन में उसका लाइट उनको फील नहीं होता है। चलिए दूसरा ल्यूमिनस बॉडी की बात करते हैं आर्टिफिशियल या मैन मेड का, ये वो हमारा आर्टिफिशियल ल्यूमिनस बॉडी है जो जिसका निर्माण किसी न किसी व्यक्ति ने किया है। जैसे आप देखिए कैंडल, कैंडल क्या बनाया गया है आर्टिफिशियल है, बर्निंग बल्ब बनाया गया है, ट्यूब को बनाया गया, तो जो मानव के द्वारा निर्मित है और जलने के बाद लाइट प्रोड्यूस करता है इसे हम लोग बोलते हैं मैन मेड ल्यूमिनस बॉडी। चलिए इससे अगला टॉपिक हमारा आता है पढ़ने के लिए नॉन ल्यूमिनस यानी कि अप्रदीप्तमान वस्तु, यानी वैसी वस्तुएं जो स्वतः या किसी अन्य भौतिक कारण के कारण वो लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है उसे बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस अर्थात अप्रदीप्त वस्तु। जैसे आप देखोगे बुक लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, टेबल लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, पेन लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, वुड हमारा यानी लकड़ी में प्रोड्यूस क्या करता लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। चलिए इससे अगला हमारा मिलता पढ़ने के लिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट जिसको पारदर्शी कहते हैं, यानी एक वैसा मटेरियल या माध्यम होता है जो क्या करता है प्रकाश किरण को एक माध्यम से दूसरी माध्यम में आर पार होने की अनुमति देता है, यानी सच टाइप ऑफ मटेरियल और बॉडी विच अलाउ टू पास लाइट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। जैसे मैं आप देखिए एयर हो गया, ग्लास हो गया, वैक्यूम हो गया, क्लीन वाटर हो गया, सारा हमारे लिए क्या है ट्रांसपेरेंट मटेरियल है या बॉडी। अब बात करते हैं इसी से उल्टा नॉन ट्रांसपेरेंट या इसी का एक और नाम है ओपेक बॉडी, अपारदर्शी वस्तु, यानी वो वैसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश किरण को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की अनुमति नहीं देता है। चलिए एक उसके बाद आता है हमारा ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट वो होता है जो प्रकाश किरण को एक तरफ से दूसरे तरफ जाने की अनुमति देता है लेकिन वो पार्शियली आंशिक रूप से टोटल हमारा पार करने की अनुमति नहीं देता है। जैसे घिसा हुआ कागज ग्लास देख लीजिए या कागज तेल से भींगा हुआ कहता है पेपर को देख लीजिए, यानी हमारा बोल सकते हैं सच टाइप ऑफ बॉडी और मटेरियल विच अलाउ ओनली पास द लाइट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड पार्शियली इज नोन एज द ट्रांसलूसेंट बॉडी यानी पारभासी बॉडी। चलिए इसके बाद हमें मिलता पढ़ने के लिए रे क्या होता है, तो रे हमारा होता क्या है जब पर रे यानी किसी भी प्रकार के ल्यूमिनस बॉडी से लाइट प्रोड्यूस होता है तो कहीं ना कहीं वो हमारा सीधी पथ पे क्या करता है गमन करता है, तो यहां से डिफिनेशन मिल जाता है किसका रे ऑफ लाइट का। रे ऑफ लाइट होता है क्या, प्रकाश जिस पथ पे या सीधी पथ पे गमन करता है उसे हम क्या बोलते हैं रे ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश किरण कहते हैं। और इस पे होता है क्या, जो रे ऑफ लाइट होता हमेशा वो सोर्स से यानी एक बिंदु से उत्पन्न होकर के सीधी पथ पे वो क्या करता है वो आगे की ओर गमन करता है। इसके बाद क्या करते हैं हमारा बीम क्या है, अगर बहुत सारे किरण को मिलाकर एक कर दिया जाए तो उसका एक नया नाम पड़ता है जिसे हम क्या बोलते हैं बीम अर्थात किरण पुंज। किरण पुंज है क्या, तो किरणें के समूह को किरण पुंज कहा जाता है अर्थात ग्रुप ऑफ रेज इन द बीम। ये तीन प्रकार के मुख्यतः होते हैं कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और पैरेलल। कन्वर्जिंग क्या होता है, तो अलग अलग स्रोत या ल्यूमिनस बॉडी से प्रकाश किरण उत्पन्न होकर एक बिंदु पे जब आके मिलता है तो इसे बोला जाता है कन्वर्जिंग बीम बोला जाता है, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं अभिसारी, क्या बोलते हैं अभिसारी। लेकिन इसी का उल्टा होता है, एक ही बिंदु स्रोत या ल्यूमिनस बॉडी से प्रकाश किरण उत्पन्न होकर अलग अलग दिशाएं में क्या करता फैल जाता है, तो इस प्रकार एक बीम बनता है जिसे क्या बोलते हैं हम
डाइवर्जिंग बीम जिसको अपसारी किरण पुंज भी कहा जाता है। इसके बाद आगे हम स्टडी करते हैं पैरेलल किरण पुंज, समांतर किरण पुंज को। इसमें होता है क्या है कि अलग अलग स्रोत से निकलने वाली किरण एक दूसरे के समांतर रहता है और एक प्रकार का किरण पुंज का निर्माण करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल किरण पुंज बोलते हैं। बात रहा कि सर इसमें कितने हमारा ल्यूमिनस बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इसमें कितना, तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें एक से अधिक ल्यूमिनस बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इसमें एक ही बोर्ड ल्यूमिनस बॉडी की रिक्वायरमेंट है और इसमें भी कितना हमारा एक से अधिक ल्यूमिनस बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब कह सकते हैं कि कन्वर्जिंग और पैरेलल में ल्यूमिनस बॉडी की रिक्वायरमेंट एक से अधिक है, लेकिन डाइवर्जिंग में ओनली कितना ये एक है। इसमें एक प्लस चाहिए, इसमें भी एक प्लस चाहिए, लेकिन डाइवर्जिंग ओनली वन चाहिए। चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे आते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन होता है क्या है? चलिए प्रकाश का परावर्तन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब यहाँ से कोई हमारा ये ल्यूमिनस बॉडी यहाँ पे होगा, ये ल्यूमिनस बॉडी होगा तो प्रकाश किरण का प्रोडक्शन किया, उत्पत्ति किया या उत्सर्जित किया, करने के बाद यहाँ से निकला तो उसको एक हमारा चिकनी सतह स्मूथ सरफेस मिला या पेंटेड सरफेस मिला, जिससे क्या हुआ प्रकाश किरण इंसिडेंट किया और वो टकराने के बाद उसी माध्यम क्या हो गया वो लौट गया। तो इस प्रकार के घटना को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन, यानी एक लाइन में बोला जाता है रिबाउंसिंग ऑफ लाइट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी व्हेन ए रे ऑफ लाइट कम फ्रॉम एनी ल्यूमिनस बॉडी एंड रिटर्न इन द सेम मीडियम आफ्टर इंसिडेंट ऑन ए मिरर और स्मूथ सरफेस, दैट द फिनोमिनन ऑफ रिटर्निंग इन द सेम मीडियम ऑफ रे ऑफ लाइट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअल में हमारा ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो प्रकार का होता है, एक का नाम है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता है क्या है कि हमारा इसका जो सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो स्मूथ होता है, जबकि यहाँ पे एक होता है इरेगुलर, यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा रफ सरफेस होगा, रुखड़ा होगा, जैसा कि आप चित्र में यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा क्या ये स्मूथ है, कुछ इससे हमारा रिफ्लेक्शन से मिलता जुलता कुछ पॉइंट है, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे OA होता क्या है, OA को बोला जाता है इंसिडेंट रे, यानी इसका डिफिनेशन क्या होगा तब बोलेंगे सच ए रे व्हिच कम टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर और स्मूथ सरफेस इज नोन एज द इंसिडेंट रे, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं आपतित किरण, यानी कि दर्पण के परावर्तक सतह की ओर आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहा जाता है, जैसा कि चित्र में ओए को दिखाया गया है। चलिए दूसरा हमारा आता है रिफ्लेक्टेड सरफेस। रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस वो सरफेस होता है जो प्रकाश के परावर्तन के बाद क्या करता है उसी माध्यम में लौट जाता है, या बोल सकते हैं सच ए रे व्हिच गो अवे From point of incident, after incident is known as the reflected surface. या ऐसे बोल सकते हैं वैसा किरण पुंज जो दर्पण के प्रवर्तक सतह से दूर भागता है उसे क्या बोला जाता है प्रवर्तक सतह बोला जाता है। उसके बाद आते हैं हमारा नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, नॉर्मल अभिलंब एक हमारा वो एक काल्पनिक रेखा होता है। आप लोग कभी देखे होंगे जो भी दर्पण वगैरह बीच में डंडा होता नहीं है या कोई स्टिक हमारा होता नहीं है, नॉर्मल क्या है एक इमेजिनरी हमारा काल्पनिक सीधी रेखा होता है जो प्रवर्तक सतह के साथ दोनों तरफ 90 डिग्री का क्या बनाता है ये कोण, यानी बोल सकते हैं नॉर्मल को वैसा वर्चुअल और इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन बीच मेक्स 90 डिग्री ऑन Both side of reflecting surface is known as the normal. यह एक प्रकार का काल्पनिक रेखा होता है। चलिए reflecting surface की बहुत सी बात करें। Reflecting surface होता क्या है? तो मिरर में दो सतह होता है। एक वो सतह जो पेंटेड होता है, कलर किया होता है या हाईली पॉलिश होता है, और एक वो सरफेस होता है जो पेंटेड हमारा नहीं होता, अनपेंटेड होता, उसे बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस या परावर्तक सतह। बोल सकते हैं दर्पण का वैसा सतह जो किसी प्रकार के पेंट से रंगा हुआ नहीं हो परावर्तक सतह कहलाता है।
चलिए एक पॉइंट हमारा अगला मिलता है, इंसिडेंट पॉइंट क्या होता है? तो इंसिडेंट पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे प्रकाश किरण क्या करता है, इंसिडेंट करता है, और उसी पॉइंट से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, निकलता है और अभिलंब या नॉर्मल भी मिलता है। चलिए यहाँ पे कुछ एंगल है, इस एंगल की बात करते हैं। इसे बोला जाता है इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को बोल देता आपतन कोण कहा जाता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है? तो नॉर्मल और कितना रिफ्रैक्टेड सरफेस के बीच के कोण क्या हो जाता है, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड एंगल बोला जाता है, रिफ्लेक्टेड एंगल। चलिए एक होता है, उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा ये ग्लैंस एंगल की बात करते हैं। ग्लैंस एंगल हमारा वो एंगल होता है जो इंसिडेंट और परावर्तक सतह, ये हमारा ग्लैंस एंगल हो जाएगा, ये भी हमारा क्या जाएगा, ग्लैंस एंगल हो जाएगा। ग्लैंस एंगल दो होगा, एक होगा हमारा इंसिडेंट रे के बीच में और रिफ्रैक्टेड सरफेस के बीच में, दूसरा होगा रिफ्रैक्टेड सरफेस और हमारा परावर्तक सतह यानी कि रिफ्रैक्टेड सरफेस के बीच में होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस और हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है के दोनों के बीच के जो एंगल बनता है उसे ग्लैंस एंगल कहा जाता है, और ये दोनों ग्लैंस एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि हमारा एंगल आई बराबर एंगल क्या होता है, ये आर, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे कि हमारा आई और आर आपस में दोनों क्या होता है, वो बराबर होता है। चलिए हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन दो होता है, पहला और ये दूसरा। पहला ला क्या करता है, कहता है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट एट द पार्टिकुलर पॉइंट एंड दैट पार्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिलता है जिसे आपतन बिंदु कहा जाता है। इसके बाद कहा जाता है कि हमारा दूसरा ला कहता आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, यानी कि आई और आर आपस में क्या था, वो बराबर होता है। चलिए इसे थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे मीट एट सम पार्टिकुलर पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। सेकंड ला क्या कहता है, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लोग दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।